हमीरपुर जिले में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने बाढ़ की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले वर्ष यमुना और बेतवा दोनों नदियों ने जमकर कहर बरपाया था, जिसमें मुख्यालय की निचली बस्तियों सहित सैकड़ों गांव पानी में डूब गए थे। बाढ़ की गंभीर स्थिति से बचने के लिए मौदहा बांध द्वारा नदियों के किनारे किनारे पिंचन का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिससे नदियों के किनारे बसे गांवों को कटानों से रोका जा सके तथा बाढ़ बचाव की तैयारियों के साथ साथ बाढ़ से बचाव के उपकरण भी तैयार कर लिए गए हैं, जिससे अचानक आने वाली बाढ़ पर नुकसान से स्थानीय लोगों को बचाया जा सके। साथ ही बाढ़ राहत कैंप और बाढ़ चौकियां बनाई जा रही हैं। पूरी तैयारी के लिए हमने पहले तटबंध को सुरक्षित रखने के लिए पूरे जहाँ रेनकट्स हैं या कहीं पर भी रेड होल्स हो जाते हैं उनका सब पूरी मरम्मत करा दी है, पूरी सफाई करा दी है। सभी यमुना पे तटबंध था उसकी पूरी सफाई करा दी है। इधर भी आपका बेतवा भी तटबंध बना हुआ उसकी पूरी सफाई करा दी है और जो वो मरम्मत कराने थे वो सब सारे काम करा दिए गए हैं। रिजर्व स्टॉक रखना होता है उससे पहले बाढ़ से पूर्व, तो 20,000 बोरियां हमने भरवा के कैंपस के अंदर पहले से ही रख ली हैं और जरूरत होगी तो आवश्यकता अनुसार बाद में कर ली जाएगी। उससे पहले ही जब बाढ़ आने का रहेगा तो अभी फिलहाल कोई ऐसा संकेत नहीं है बाढ़ का जुलाई में।